अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ये सब ठीक है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं ट्राईपॉड। ये कल गए थे बाय, तो पता नहीं क्या दिन में आए तो लेके आए हैं। कहते हैं कि तुम ना कुकिंग जो रेसिपीज बनाती हो, ये करती हो, तो एक हाथ से तुम करती हो, एक हाथ से तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है करना। तो इसलिए मैंने ट्राईपॉड लेके आया, इसके ऊपर बनाया, इसको स्टैंड पर लगाया करो और साथ बनाया करो, वीडियो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मियाँ साहब। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो उन्होंने मुझे ये ला के दिया। मैं अभी मॉर्निंग से अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे, तो जिसके लिए मैंने आलू रख दिए हुए हैं बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए। तो साथ आटा मैं गूंदने लगी हूँ, और मैं कैसे मैं साथ में ट्राईपॉड की ये अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोगों के साथ। तो साथ मैंने पूछा है कितने का है, लेकिन मुझे बताया नहीं है उन्होंने कितने का है। तो कहते जितने का भी है तुम्हें चाहिए था ना, तो मैंने ला दिया, बात खत्म हुई। तो ये मैं इसको खोलने लगी हूँ, खोल के तो फिर देखते हैं कि क्या कैसे है। ये इसकी मैंने हाथ ही देखे, देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलें अब देखते हैं। ये देखें जी, ये है मेरा ट्राईपॉड, ये वाला, ये देखें, ये देखे हैं। कल मैं रात को नहीं था खोला, मैं क्या मैं सुबह इसकी वीडियो बनाऊंगी, साथ में आप लोग का शेयर करूंगी। और ये देखें, ये मेरे हाथ से, ये इसकी लेंथ इतनी है ना अभी फ़िलहाल। इसको खोलते हैं तो देखते हैं इसकी लेंथ। हाँ जी, मैंने इसके अंदर जो मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें काटी थी वो डालनी है, सब्ज़ धनिया जो फ्रोजन किया हुआ था वो डाला है, और साथ में मैंने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी थोड़ी सी डाली है, काली मिर्चें डाली हैं पिसी हुई, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है बस। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट वो कर लिया मिक्स, ये देखें। तो अभी मैं पराठे शुरू करने लगी हूँ बनाने। ये देखें मसाला, देखें मटेरियल हमारा तैयार हो गया हुआ है। ये देखें मेरे हाथों का भी ना ज़ीरा लगा हुआ है, काला ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा। ये देखें, अगर आपको स्पाइसेस कम लगते हैं तो थोड़े तेज़ रख लें, लेकिन मैंने अपने हिसाब से तकरीबन 2 चम्मच डाले हैं नमक के, तो 2 चम्मच डालने हैं सुरख मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर काली मिर्चों का भर के, और 1 चम्मच मैंने डाला है गर्म मसाला, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा सूखा धनिया हाथ से क्रश करके डाला है, अनारदाना भी इसके अंदर डाला जाता है, लेकिन अनारदाना इस टाइम घर पर नहीं है तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, वो नहीं मैं ऐड कर रही इसके अंदर। तो बाकी देखिए माशाल्लाह हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा चख के देखती हूँ कि मटेरियल सही है। इसके अंदर नमक थोड़ा तेज़ होगा तभी रोटियों में मज़ा आएगा, अगर इसके अंदर नमक कम होगा, स्पाइसेस कम होंगे, तो वो रोटियों में जाके जब पराठे बनाएंगे तो पराठे फीके फीके रहेंगे, वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसके अंदर नमक और जो मिर्चियाँ थोड़ी मैंने ना ज़्यादा ऐड की हैं इसके अंदर, ना थोड़ी तेज़ रखी हैं। जी जनाब, मैं पराठे बनाने लगी थी तो अचानक हमारे घर मेहमान आ गए हैं, तो अभी मैंने चाय बनाई है और साथ में मैंने बेकरी की चीज़ें मंगवाई हैं, तो मैं इनको अभी सर्व करने लगी हूँ। चाय है, बिस्किट हैं और केक है, और साथ में मैंने अंडे रखे हुए हैं, वो भी हो गया, वो भी मैं लेकर जाने लगी हूँ। तो पराठे मेरे भी दरमियान में रह गए हैं, मैं आके बनाने लगी हूँ। मैं पहले मैं क्या उनको मैं दिया हूँ सर्व कर रहा हूँ चीज़ें, तो फिर बाद में मैं आके पराठे बनाती हूँ। जी जनाब, पेड़े मैंने बना के रख ली हैं, मटेरियल भी मैंने पास रख लिया है, चूल्हे के ऊपर तवा रख लिया हुआ है, तवा गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैं साथ साथ बेलती जाऊँगी फटाफट, और साथ साथ ही मैं ऊपर डालती जाऊँगी, क्योंकि अगर पेड़े साथ साथ बनाए तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है कि पेड़े बना के रखी हूँ, पेड़े थोड़े हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, और साथ फटाफट भी पराठे बनते जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने डाल दी है रोटी, पहले डाल दी है, पहली रोटी जो होती है मेरी सास की होती है, अम्मी की होती है रोटी, क्योंकि उन्होंने रोटी खानी होती है खुश, वो ऑयल नहीं लगवाती, ना ऑयल लगवाती ना घी लगवाती हैं, उनका मैं ये पराठा बनाऊँगी, सादा खुश पराठा बनाऊँगी, उसके ऊपर देसी घी लगाऊँगी बस। तो उसके बाद जो मैं अब दूसरे ऑयल वाले पराठे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। जी जनाब, ये मैंने 2 पेड़े थे उनको मैं तरह बेल लिया है, ये देख, अब इसके अंदर मैं रखने लगी हूँ मटीरियल। ये देख, इसके अंदर मैं मटी, असल में ना आज थोड़ा शोर है मेरे घर में, क्योंकि मेरे नंद के बच्चे आए हैं, मैं नंद आई हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा शोर है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह सारा जो मटेरियल मैंने बनाया है वो मैं अच्छी तरह इसके ऊपर प्रेस कर दिया,
अब इसके बाद मैं दूसरे जो मैंने बेला है ना पराठा, ये दूसरा ये जो मैंने बेला है ये देखें पेड़ा, वो इसके अंदर मैं डाल के, तो इसको थोड़ा सा मैं इसको टाइटली बंद करके बेलती हूँ, फिर मैं तवे पे डालती हूँ। ये देखें मैंने उसको, मैं थोड़ा सा बेला है तो बेलने के साथ ही मैं उसको तवे के ऊपर डाल दिया है। मेरा माशाल्लाह ना जितनी मैं मर्जी कोशिश करूँगी मैं छोटी पराठा बनाऊँगी, छोटी रोटी बनाऊँ मेरे से नहीं बनती। तो उसको मैंने ये डाला है तवे के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑयल, घी नहीं मैं यूज़ करती ना, पता नहीं तो मैं ऐसे ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं इसके ऊपर अब डालूँगी ऑयल। ये देखें फिर मैं इसके ऊपर ऑयल डालती हूँ, नीचे से दूसरी तरफ से हो गया होगा, ये देखें हो गया सिंपल था। मैं आराम से इसको ना साइड उसकी मैंने चेंज कर दिया। ये देखें तो फ्लेम थोड़ी मैंने तेज़ कर दी है क्योंकि इसके मसाला बड़ा है पराठा, तो साइडों से फिर ये होगा कि अगर फ्लेम स्लो होगी तो किनारे से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैंने जो चूल्हे की स्पीड है वो तेज़ की हुई है। तो ये देखें अब मैं साथ से इसको हल्का हल्का हलाती जाऊँगी क्योंकि नीचे ना लगे दूसरी तरफ से। ये देखें ऑयल उतना ही काफ़ी है, अगर मैं ज़्यादा ऑयल करूँगी तो फिर पराठा बिल्कुल ऑयली ऑयली हो जाएगा। देखें देखें अभी भी ये किनारों से थोड़े ना ऐसे किनारे कच्चे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सेकती हूँ। ये देखें माशाल्लाह असल में मेरा प्रोग्राम था कि मैं आराम से वीडियो बनाऊँगी सारी तसल्ला से, सारी आपको दिखाऊँगी किस तरह पराठा बेलते हैं किस तरह बनाते हैं, लेकिन हुआ ये है मैं आपको बताया कि मेरे घर अचानक गेस्ट आ गए हुए हैं, तो फिर उनके बच्चे भी हैं साथ, तो वो शोर और ये वो मैं नहीं कर पा रही, इसलिए ना ये पराठा मैं अपने बच्चों को देने लगी हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को भूख लगी है, कब से कह रहे हैं मम्मा बना दे पराठा बना दे पराठा बना दे, लेकिन वो मेहमान आई उनके पास थोड़ी देर बैठना पड़ गया, फिर चाय बनानी थी चाय बनाई है, फिर उनको सर्व किया सारी, और अब ये मेरे बच्चों का पराठा रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये लें जी पराठा रेडी हो गया है, और साथ सादा दही लेंगे मेरे बच्चे और पराठा खाएंगे आलू वाला, और अभी मैं बाकी जो पराठे लाए हैं वो बनाने लगी हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये फ्रैंक और हम लोगों ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा, ये डील थी डील लेके आया, ये साथ विंग्स हैं, ये साथ सैलड और ये साथ कोक, ये डील में आई है, और डील में पूछ के बताती हूँ कितने की आई है फ्रैंको की, ये सारा कुछ डील में आया, ये पेप्सी के और ये सारी चीजें आई हैं 1980 की एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, साथ सैलड है और साथ में ये क्या कहते हैं विंग्स हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये मैं बना रही थी खाना रात के लिए, मैंने बताया था कि मैं आई हुई हैं, बड़ी नंद आई हुई हैं, बाजी आई हुई हैं, तो आज हम बना रहे हैं पाए, तो साथ में बनाए उबले चावल, उबले चावल मैंने बना लिए हुए हैं, तो अब मैं बना रही हूँ पाए। पाए ना असल में गले नहीं हैं, इनको टाइम काफ़ी लग गया, तकरीबन आधे से पौना घंटा मैंने इनको लगाया तब जाके पाए गले हैं, तो आज ये मैं प्रेशर लेके आई हूँ नया, ये शेफ़ वालों का प्रेशर नहीं हूँ, तो मैंने आज बिस्मिल्लाह किया मैंने प्रेशर में पाए बनाया, अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो ना तो फिर मेरे पास छोटा प्रेशर है तो फिर बड़ा मसला बन जाता है, तो ये तीन पाए हैं, ये छोटे प्रेशर में बनने थे, बड़े पाए हैं तीन, ये छोटे प्रेशर में बनने नहीं थे, तो इसलिए मैंने ना ये बड़ा प्रेशर में फिर आज ले के आई हूँ, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ पाए, और साथ में अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, और प्याज लहसुन ढेर सारा लहसुन प्याज और टमाटर वो मैंने डाल के उसको प्रेशर लगाया, तकरीबन पौना घंटा उसको लगा गलने में, मुझे ये था कि आधे घंटे में हो जाएंगे लेकिन नहीं गले, तो अभी माशाल्लाह ये गल गए, तो अभी मैं इनमें ऑयल डाला है, बाकी इसके अंदर मैंने मसाले डालने हैं, मसाले डाल के तो फिर ये माँ हो जाएंगे तैयार, तो इसके बाद फिर हम लोग खाने का टाइम होने वाला है, तो मेरी कोशिश है कि फटाफट हो जाए पाए। देखे ना माशाल्लाह हो गया, मैं इस पर मसाले वगैरह डालने लगी हूँ, मैंने ना इसके अंदर में से पानी निकला था, ये जो पाए मैंने जब प्रेशर खोला था तो पानी था थोड़ा सा, वो मैंने डाला है कुछ थोड़ा मैंने और इसमें पानी डाला है, ज़्यादा थोड़ा सा डाला है इसके अंदर ना ज़्यादा पानी और हट गया, जो उसमें से पाए में से निकला था जब मैं पाए भूनने लगी थी तो इसके अंदर पानी था, वो मैं पानी निकाल लिया था, फिर मैंने ऑयल डाल के
पायों को भून लिया, उसमें मसाले जो घर के होते हैं वो डालने हैं। डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया सादा, और वो जो पानी मैंने निकाला था वो दोबारा इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं रखने लगी हूँ हल्की सी आंच पे, तो पानी पकता है। सबर धनिया डालती हूँ, तो मेरे पाए रेडी हो जाते हैं। और बाकी आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट्स करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर, और अल्लाह आप सबके घरों में हर वो आफियत रखे, बरकत डाले आप लोगों के घरों में सब में। और आप मुझे ना अच्छे से कमेंट लाजमी किया कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।